तो देखो भाई, किसान आंदोलन यानी फार्मर प्रोटेस्ट, मुझे नहीं लगता ऐसा कोई भी बंदा होगा इंडिया में जिसको अभी तक किसान आंदोलन के बारे में कोई खबर ना मिली हो। तो सीन अभी ये है कि भाई देखो, टू बी ऑनेस्ट, मैं जो हूँ वो किसानों के पूरे समर्थन में हूँ, क्योंकि अगर किसान खुश नहीं है ना हमारे देश का, तो मुझे लगता है कि भाई देश खुश नहीं रह सकता किसी भी हाल में, अगर किसान खुश नहीं है तो। तो अभी जस्ट हम अमृतसर से वापस आ रहे थे और ऑलमोस्ट दिल्ली की जो सिंघू बॉर्डर पड़ती है अपनी, दिल्ली हरियाणा की, वहां से पहले हमें कट लेना था, लेकिन अभी हमने डिसाइड करा है कि हम जाएंगे सीधा सिंघू बॉर्डर पे, जहाँ पे हमारे किसान भाइयों ने प्रोटेस्ट कर रखा है, और वहां पे जाके भाई जो रियल न्यूज है, जो रियल ग्राउंड रिपोर्ट है, क्योंकि मीडिया तो वो दिखाने वाली है नहीं, जो रियल वहां की तस्वीर है वो आपको दिखाई जाए कि भाई किसान क्या चाहते हैं। तो अभी जस्ट हम सिंघू बॉर्डर पहुंचने वाले हैं, ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं, वहां जाके ना देखते हैं कि भाई किसान भाइयों का ना क्या विचार है इस पूरे मुद्दे के बारे में। जो उसने बिल पास किए है ना, जितने बिल पास किए सभी रद्द कर, हमारे हित में कुछ नहीं दिया, हमारे हित में नहीं है। मोदी की सरकार 10 दिन का भी टूट जाएगी, सारे एमपी आएंगे, किसानों का दुख नहीं देखा था, काम किया पाए। मोदी को औकात दिखानी जरूरी थी, जब पंजाब से 300 किलोमीटर का सफर तय करके किसान यहाँ आ गया, तो शर्म से डूब के मर जाना चाहिए उन किसानों को जो अभी अपने घरों में बैठे हैं। और एक और बात बता दूं कि हम 6 महीने का खाना हमारे पास ही है, पंजाब एक है, खाना खत्म नहीं होगा। तो भाई साहब पूरी मतलब A to Z प्लानिंग के साथ में आए हुए हैं ये, और ऐसा नहीं है कि भाई 2-4-5 दिन 10 दिन का खेल है। साहब बोल रहे हैं कि भाई 6 महीने का राशन तो हम लेके आए हैं, और उसके बाद भी अगर ज़रूरत पड़ी तो हम यहीं रहेंगे, जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होगी तब तक हम यहाँ से जाने वाले है ही नहीं। तो भाई अब गूंज कर दी हमने भी बिल्कुल दिल्ली की तरफ, ताकि आगे जाके अपने बाकी भाइयों से भी मिल सके, और बाकी सबका क्या इसके बारे में विचार है ये सारा भी पता करते हैं वहाँ चल के। यहाँ से मतलब ये मान लो बस स्टार्टिंग हुई है, अभी आगे अभी तो बहुत लंबा रास्ता है, जहाँ पे अपने को जगह जगह पे ना सारे भाई ऐसे बैठे हुए मिलेंगे, और सबके पास हम रुकते रुकते चलेंगे आराम से, A to Z जो भी उनके मन की बात है सारी पता कर देंगे आज। तो यहाँ देख लो भाई, यहाँ से ना एक तरीके से मेन शुरुआत हो गई है, और अब देखना आप आगे कितने लंबे तक, मतलब क्वांटिटी देखो आप, कितने सारे बंदे यहाँ पे बैठे हुए हैं, और पूरी ये आगे तक एंड तक जहाँ तक भी सरकार ने अपना बॉर्डर वाला सील कर रखा है वहाँ तक यहाँ से शुरू हो गया है। अब ये एरिया देखो कितना लॉन्ग डिस्टेंस तक कवर कर रखा है इन्होंने, दोनों तरफ, और ये साइड भी ऐसे, ये साइड भी ऐसे है, लंगर चल रहे हैं नॉन स्टॉप। तो भाई दिल्ली बॉर्डर जाने के लिए यहाँ पे लास्ट है, इसके आगे गाड़ी का रास्ता नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन हाँ सारे बता रहे हैं कि आगे और भी किसान भाई बैठे हुए उधर, जहाँ पे फोर्स लगा रखी है गवर्नमेंट ने, लेकिन गाड़ियों का रास्ता यहीं तक है, इससे आगे नहीं जा सकते गाड़ी से, तो इधर ही गाड़ी लगाएंगे कहीं पे साइड में, और पैदल चलेंगे आगे तक, और वहाँ जाके देखेंगे कि भाई क्या माहौल है वहाँ का। तो भाई गाड़ी लगाने की जगह वहाँ पे थी जहाँ से हमने आपको दिखाया था, और इस तरफ सारी की सारी फोर्स खड़ी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब हर फोर्स आई हुई है, दिल्ली पुलिस भी है और BSF वाले भी है, तो काफ़ी सारे डिपार्टमेंट्स आए हुए हैं, और बस ये है कि भाई इधर कोई ऐसा कुछ माहौल नहीं है कि कोई दंगे वगैरह का हो, बिल्कुल पीसफुल तरीके से काम चल रहा है। हाँ ये है कि भीड़ भड़ाका तो है, लेकिन ऐसा कोई गड़बड़ वाला काम नहीं है यहाँ पे। ये अपना पड़ता है सिंघू बॉर्डर, ठीक है, और यही डेड एंड है, इसके आगे कुछ नहीं है। जितना भी हमारे किसान भाई बैठे हुए हैं, जितनी भी आर्मी फोर्स है और दिल्ली पुलिस है, वो सब पीछे की तरफ है। यहाँ हम आए सिर्फ लास्ट का देखने के लिए कि एंड में क्या है, और यहाँ कुछ नहीं है, बस ये जहाँ पे टोल है ना यहीं तक एंड, इसके आगे और कुछ भी नहीं है। बाकी टोल ये वो है कमर्शियल वाला टोल है, तो हो सकता है आपका ध्यान ना गया उस टोल पे, ये कमर्शियल व्हीकल्स का टोल है, बाकी नॉर्मल वालों का टोल नहीं है ये। भाई साहब यहाँ पे सीन ना बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखा है, जो यहाँ की मीडिया आ रखी है ना वो मतलब एक तरीके से अपनी दुकानदारी चलाने आ रखी है, और सबसे इनमें पता है क्या सीन है, अभी जैसे टू द पॉइंट एग्जैक्ट दिखाए ना तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पे कुछ और रहेगी, यहाँ पे इस तरीके से रहेगी कि हाँ भाई हम किसानों के साथ में, ताकि वो इनको इंटरव्यू दे दे और बाद में जाके बैकग्राउंड वॉइस में कुछ भी बोल देंगे, और कोशिश तो यही करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा सरकार का साथ देने के लिए, क्योंकि बिकी पड़ी है ना भाई, क्या कर सकते हैं। तेरी धन नशा ही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी मोदी, तेरी धन
भाई यहाँ पे ना बंदे अपना कैंपिंग टेंट वेंट लेके आए हुए हैं, जैसे ये 2% टेंट है, कई कई बंदे ऐसे हो जो 8% टेंट लेके आए हुए हैं, और मतलब लंबा प्रोग्राम है, सीधी सी बात है, ये सारा इशारा एक ही बात के लिए है कि प्रोग्राम बहुत लंबा चलने वाला है। जब तक ठोकेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं। और बाकी वो मीडिया वालों का तो चल ही रहा है कोराम, बढ़िया बहुत कोराम चल रहा है भाई। इंडियन मीडिया बिक चुकी है, प्रॉपर बिक चुकी है, मैं कहना चाहूंगा बिक चुकी है और बिक चुकी है और बिक चुकी है। मतलब गेम भी क्या खेल रहे हैं, वैसे तो है ये सरकार के साथ, लेकिन टीआरपी बढ़ाने के लिए अपने ही बंदे बिठा के उनसे ही कुछ कुछ बुलवाए जा रहे हैं, हद होती है यार। एक मतलब कोई चैनल है, न्यूज चैनल है, मैं उसका नाम पढ़ना भूल गया, उन्होंने खुद ही क्या कर रखा है, ऐसे सिस्टम सा बना रखा है, ठीक है, और उसमें बंदे गागू रहे हैं, बैठ के रहे हैं, एक मतलब डबल क्रॉसिंग कर रहे हैं बंदे, ये है ही नहीं, दोगली मोदी मीडिया भाई बिक चुकी है भाई। मच्छर मारने वाली मशीन लेके चल रहे हैं बंदे यहाँ पे, क्योंकि पूरी रात बंदों को यहाँ पे रुकना है, तो भाई मच्छर कर सकते हैं हालत खराब, इसलिए मतलब कहने का मतलब वही है यार, सारी चीजों का प्रॉपर इंतजाम हो रखा है यहाँ पे, किसी को 1% भी दिक्कत नहीं है, खुद करके आए, खुद कर रखी है, खाना पानी रहना रुना, इलेक्ट्रिसिटी के लिए इन्होंने क्या कहते हैं अपना वो जनरेटर ले लेके बैठे हुए हैं। तो भाई वापस आ चुका हूँ मैं प्रोटेस्ट से अपने घर, और मैं आपको बता दूं कि भाई बहुत सी वीडियोस वायरल हो रही है कि खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं या ऐसी उल्टी सीधी हरकतें करी जा रही है, वो सब फर्जी वीडियोस है। आपने देख लिया होगा किसान किस तरीके से बिल्कुल पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हाँ उनके अंदर गुस्सा है क्योंकि उनकी बात नहीं मानी जा रही, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि किसी पुलिस वाले से भिड़ रहे हो या कोई गलत चीज कर रहे हो, बिल्कुल वो सिर्फ अपनी मांगे पूरी करने के लिए, जो कि एकदम जायज मांगे हैं, सिर्फ उन चीजों के लिए उन्होंने प्रोटेस्ट कर रखा है, बाकी इसके अलावा उनका कोई भी मुद्दा नहीं है। जो बिल पास किए हैं सरकार ने वो सारी बस रद्द कर दिए जाए, इनके अलावा वो कुछ भी नहीं चाहते हैं, क्योंकि भाई ये बिल की वजह से ना बहुत ज्यादा तकलीफ में आ जाएंगे किसान, वैसे ही इतनी कम कमाई होती है इनकी, अब इसके बाद में ना बहुत ज्यादा तरीके से एक्सप्लोइटेशन हो सकता है किसानों का, इस वजह से लाखों की संख्या में भाई इतने किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो यही है कि यार रेदर देन अलग अलग चीजें देखकर मीडिया चैनल पर या फिर सोशल मीडिया पर आज से 5 साल पुरानी वीडियो खालिस्तान जिंदाबाद के नारे वाली वीडियो देखकर इस प्रोटेस्ट के साथ लिंक कर रहे हैं बहुत लोग, तो ये सब ना करने की बजाय हमारे किसानों को सपोर्ट करो, तभी ये देश भी खुश रहेगा, क्योंकि अगर किसान खुश नहीं है ना तो ये आपकी सरकार फसलें नहीं उगाने वाली खेतों में जाके, ठीक है, क्या खाओगे फिर तुम। बहुत लोग जो बोल रहे हैं किसान गलत कर रहे हैं, इनका अच्छा हो रहा है, भाई तुम खुद किसान हो ना तब ये बात बोलो, अगर तुम्हें पता हो कि खेती कैसे करी जाती है, फिर कैसे बेची जाती है, कहां कहां पे एक्सप्लोइटेशन हो सकता है किसान का, और इस बिल के क्या क्या डीमेरिट्स है, ये सारी चीजें तुम एज ए फार्मर जब तुम्हें समझ में आएगी ना तब तुम्हें पता चलेगा कि लाखों की संख्या में किसान क्यों बैठे हैं। तो यार मेरी तरफ से तो शुरू से ही सपोर्ट किसानों के लिए था, फार्मर्स के लिए था, अब आपकी मर्जी है, सपोर्ट करना है तो करो, और नहीं तो फिर अंधभक्त हो यार तुम, बहुत से मुद्दों में बैठते ही हो बनके।